कैंपर वैन में ही ब्रेकफास्ट कुछ कुक कर लेंगे। हमें घोड़ाखाल जाना है तो आगे से जो मुक्तेश्वर रोड है वहाँ से टी प्लांटेशन के पास से कोई रास्ता जाता है। नज़ारे बदलने शुरू हो गए दोस्तों। रेनॉल्ट ट्राइबर, इसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है, ऑटोमेटिक गियर में आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा लैग है। ये लगभग 100 सीढ़ियाँ हैं, मंदिर से थोड़ा सा नीचे आते ही हमें इतना अच्छा यहाँ पर एक स्पॉट मिला है। तो लीजिए, आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ आज का ब्रेक। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक्सप्लोर बीज में। आज हमारा इस ट्रिप का डे 3 है। अभी जहां हमने लास्ट स्टे किया था वहां से हमने चेकआउट कर दिया है और हम जा रहे हैं अभी एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करने। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं मंदिर के। तो अभी यहां पे अच्छा मौसम हो रहा है, सुबह तो थोड़ी ठंड थी बट अभी बाहर देखा जाए तो धूप निकल रही है। पहाड़ों में दोस्तों ऐसे ही होता है कि अगर आप धूप में जाओगे तो आपको गर्मी लगने लगेगी, अगर आप छांव में आओगे तो आपको थोड़ी ठंड लगने लगेगी, बट जो पहाड़ों की धूप होती है ना वो बहुत तेज होती है, तो अपनी सनस्क्रीन आप साथ लेके चल सकते हो। और अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि आज का जो प्लान हमने किया है, हमने प्लान किया है कि पहले मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे ब्रेकफास्ट का कि अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम अपनी कैंपर वैन में ही ब्रेकफास्ट कुछ कुक कर लेंगे, नहीं तो बाहर से कुछ ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी कैंपर वैन का सेटअप नहीं देखा है और आप देखना चाहते हो कैंपर वैन का सेटअप, तो हम इस वीडियो में उस लिंक को डाल देंगे, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो अभी हम भवाली पहुंच गए। ये भवाली बिल्कुल मिड पॉइंट है, अगर आप भीमताल से आ रहे हो तो नैनीताल जाने के लिए या फिर मुक्तेश्वर जाने के लिए ये एक मिड पॉइंट पड़ेगा। यहाँ से एक रास्ता घोड़ाखाल के लिए कटता है। अभी हमने पीछे पूछा था तो किसी ने बताया कि वो रास्ता भी बंद है। तो अगर हमें घोड़ाखाल जाना है तो आगे से जो मुक्तेश्वर रोड है वहाँ से टी प्लांटेशन के पास से कोई रास्ता जाता है, वो उन्होंने हमें सजेस्ट किया है। तो आगे बढ़ते हैं, मुक्तेश्वर रोड पर चलते हैं और देखते हैं कहाँ से हमें मिलता है वो रास्ता। भवाली से बाहर निकलते ही नज़ारे बदलने शुरू हो गए दोस्तों। ट्रैफिक बहुत कम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। चलिए मैं आपको ड्राइवर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो हमारी गाड़ी जो कि रेनॉल्ट ट्राइबर, इसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है, तो ऐसे पहाड़ी रास्तों पे जहाँ पर काफ़ी टर्न्स आते हैं, काफ़ी मोड़ हैं, बहुत आपको मज़ा आएगा चलाने में। गाड़ी बहुत लाइट वेट स्टीयरिंग है और बहुत इजीली आप ऐसे रोड्स पे ड्राइव कर सकते हो। नॉर्मली अगर आप कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे हो तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, किसी भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई लैग आपको फील नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कहीं किसी स्टीप एरिया पर आपको गाड़ी रोकनी पड़ गई और वहाँ पर आपको फिर गाड़ी को उठाना हो, तब ऑटोमेटिक गियर में आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा लैग है। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप उसको मैनुअल गियर में डाल लो और मैनुअल गियर में डाल के फर्स्ट गियर पर रखकर आप इजीली किसी भी स्टीप एरिया पे बहुत इजीली चढ़ा सकते हो गाड़ी को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हम घोड़ाखाल जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको घोड़ाखाल की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। घोड़ाखाल जो नाम है वो है घोड़ा, दैट मीन्स हॉर्स, और खाल मीन्स पॉन्ड। हुआ ये था कि 1857 की जो हमारी आज़ादी की क्रांति हुई थी उस टाइम पर एक ब्रिटिश जनरल था जो कि भागता हुआ यहाँ पर आया था। काफ़ी टाइम तक उसने यहीं पर छुपे रहने की कोशिश करी, तो उसका एक घोड़ा था, उस घोड़े ने एक पौंड से पानी पीते हुए वो मर गया था, तभी से इस जगह का नाम घोड़ा खाल रख दिया, हॉर्स पौंड। उसके बाद ये प्लेस सारा जो है आपके जो रामपुर के नवाब थे उन्होंने ख़रीद लिया, और फिर बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश थी उन्होंने एक्वायर कर लिया इस प्लेस को उन नवाब से। यहाँ पर जो घोड़ाखाल है वो सबसे ज़्यादा फेमस है सैनिक स्कूल के लिए। तो अपने इंडिया में काफ़ी सारे सैनिक स्कूल हैं जिनमें से कि एक सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में काफ़ी पॉपुलर और फेमस स्कूल रहते हैं,
और कहा जाता है कि काफ़ी बच्चे जो यहाँ से पढ़ते हैं वो एनडीए और जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें इजीली सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से उनकी तैयारी और प्रिपरेशन इस तरह की रहती है। ये इतने अच्छी रोड्स पर ड्राइव करते हुए और आप लोगों से बातें करते हुए पता नहीं चला कि कब हमने वो टी प्लांटेशन वाला जो एक कट आया होगा वो मिस कर दिया। हमने भी आगे पूछा तो लोगों ने बताया कि अब तो आप मुक्तेश्वर की तरफ जा रहे हो और थोड़ी देर मुक्तेश्वर पहुंच जाओगे। तो हमारा कोई प्लान नहीं है दोस्तों अभी इस ट्रिप में मुक्तेश्वर जाने का, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट किसी नेक्स्ट ट्रिप में आपको मुक्तेश्वर भी घुमाएंगे। तो अभी के लिए वापस टर्न लेते हैं और देखते हैं कहाँ से वो आपका टी प्लांटेशन वाला रास्ता जा रहा है। मुझे लगता है कोई छोटा सा रास्ता होगा, इस वजह से हमें दिखा नहीं वो, गूगल मैप ने भी हमें सही डायरेक्शन नहीं दिखाया इसके लिए। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पहाड़ी रास्तों में अगर हल्का सा भी डाउट हो कि आप कहीं गलत जा रहे हो गूगल मैप से, तो लोकल से ज़रूर पूछ लें। पहले इनिशियली हमारे होटल से दिखा रहा था 10 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ टेंपल का, और अब तक टोटल हम 30 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं, 20 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा आ गए। काफ़ी अच्छा रास्ता था इसलिए हमें भी इतना फील नहीं हुआ, हम एंजॉय कर रहे थे पूरे रास्ते के व्यू को। तो हम आखिरकार मंदिर के पास पहुँच गए, ये बाहर पार्किंग एरिया है, ₹50 चार्ज है पार्किंग का, आप सेफली अपनी गाड़ी यहाँ लगा सकते हो, हमने अपनी गाड़ी यहाँ लगा दी। बाहर ही बहुत सारी शॉप हैं जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हो, और शायद हो सकता है घंटियों को देख के आप समझ भी गए हो हम आज कहाँ आए हैं। चलिए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये लगभग 100 सीढ़ियाँ हैं, छोटी छोटी, बहुत मतलब आसानी है चढ़ने की, ऐसा नहीं है कि बहुत स्टीप चढ़ाई है, बट 100 सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़ के जाना है। और पूरा देखो यहाँ पर घंटियाँ घंटियाँ लगी हुई हैं, लोग अपनी मनोकामनाएं घंटियों के साथ पर्ची में लिखकर यहाँ बांधते हैं, और उसके बाद जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो फिर आकर अपनी मन्नत के हिसाब से जितना वो कर सकते हैं उतनी बड़ी से बड़ी घंटी यहाँ पर बांधते हैं। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। यहाँ से ऊपर से नीचे के नज़ारे भी बहुत सुंदर हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस हम टी प्लांटेशन वाले एरिया की तरफ से जा रहे हैं, कहीं अच्छा सा स्पॉट देखते हैं, वहाँ पर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करेंगे। मंदिर से थोड़ा सा नीचे आते ही हमें इतना अच्छा यहाँ पर एक स्पॉट मिला है, तो यहाँ पे हमने अपनी किचन खोल ली है। आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है चाय और साथ में आलू प्याज की पकौड़ी, मन्नू अभी प्रिपरेशन कर रही है। चाय बन के रेडी हो गई है, तो चलो पकौड़ियाँ बनानी स्टार्ट करते हैं। अपनी चाय को हम कप में कर लेते हैं। तो बस हम अपनी पकौड़ियों के लिए बेसन रेडी कर रहे हैं, सब्जी हमने ऑलरेडी कट करके वॉश करके रखी हुई है। यहाँ पर मन्नू ने सारी पकौड़ियों की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर दी है, तेल गर्म हो रहा है, तब तक हम अपनी चाय का मजा लेते हैं। ये हमारे जो चाय के कप हैं ये हमने 2003 या 2004 में लिए थे, तो 20 साल पुराने कप हैं ये, और ये आज हमारे साथ कैंपिंग में काम आ रहे हैं। आसपास की ये लोकेशन है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छी। तो हमारा ऑयल हो गया है और इसमें हम अपनी पकौड़ियाँ डाल रहे हैं। तो हमारी पकौड़ियों का पहला बैच तैयार हो गया है, हम इनको एंजॉय करते हैं और दूसरी जो बची हुई पकौड़ियाँ उसको भी डाल देते हैं। नूनू कौन सा गाना गा रहे हो? आई आई, आई? कौन सा गाना? नूनू लो पकौड़ी खाओ बेटा। अभी दोस्तों सारा सामान जो गाड़ी में हमने ऐसे फैला रखा है, बट यहाँ से चलने से पहले मैं गाड़ी को अच्छे से एक बार सेट कर लूँगा, जिससे कि क्योंकि हमारा लगभग 6-7 घंटे की जर्नी होगी तो सामान प्रॉपर रखा होना चाहिए गाड़ी के अंदर। कम कम पूरी एक बार मत खाओ बेटा।
थोड़ी 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 थोड़ी। हाँ शाबाश। तो लीजिए आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ आज का ब्रेकफास्ट। हमने अपनी गाड़ी पूरी सेट कर ली है, सब कुछ अच्छे से लगा लिया है, तो जर्नी कंटिन्यू करते हैं आगे की। दोस्तों ये पहाड़ी रास्ते देखने में कितने सुंदर लगते हैं ना, जो ये कर्व आते हैं ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये कर्व देखने में डर लगता हो, क्योंकि जो ड्राइवर होता है ना उसके हाथों में सारा गाड़ी का कंट्रोल होता है, तो उसको पता होता है कि कितनी स्पीड लिमिट है और वो कितनी स्पीड मैनेज कर पा रहा है गाड़ी चलाते हुए। पर हो सकता है जो पास बैठा हो उसको डर लग रहा हो, तो इसलिए पहाड़ी रास्तों पर थोड़ा संभल कर स्पीड लिमिट में रह कर ही आप लोग ड्राइव करें। और हमने ब्रेकफास्ट अभी हैवी कर लिया था, तो अभी देखते हैं लंच के लिए थोड़ी देर बाद रुकेंगे, अभी तो पहले रास्ता इंजॉय करते हैं। दोस्तों जब हम आ रहे थे इस ट्रिप पर तो हमें ये फाटक बंद मिले थे और उस वजह से काफ़ी ट्रैफिक जैम मिला था हमें। अभी लकीली ये फाटक जो है वो खुला हुआ है, तो यहाँ पर हमें कुछ टाइम नहीं लगेगा। घर पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम रास्ता कवर कर रहे हैं। देखते हैं कहीं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और कुछ क्विक लंच खा लेंगे। ये फिर से एक और क्रॉसिंग आ गई, लगता है उत्तराखंड में अभी बहुत काम बाकी है इससे रिलेटेड। जितनी भी इस तरह की रेलवे क्रॉसिंग्स होती हैं वहाँ पर ब्रिज होने चाहिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी और मिलते हैं सीधे आपसे घर पर, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि हमारा इस ट्रिप में क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके हैं, कुछ नए एक्सपीरियंसेस अपने साथ लेकर आए, आप लोगों के साथ भी हमने सारी चीज़ें शेयर करी। आशा करता हूं आपको वो सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। बात करते हैं हमारी एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस में जो मेजर एक्सपेंसेस है वो फ्यूल का था। हमने अप्रॉक्स 700 किलोमीटर इस ट्रिप में ड्राइव किया और हमारी ड्राइवर कार ने हमें अप्रॉक्स 15 का एवरेज दिया है, जिसमें कि 90% ऑफ टाइम हमने एसी ऑन रखा था गाड़ी का। और आपने देखा ही होगा हमारे सारे बाकी ब्लॉक्स में काफ़ी हिली टेरेन में हमने ड्राइव किया, तो वहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा एवरेज लो हो जाता है। बट मैं आपको ओवरऑल एक एवरेज रेंज बता रहा हूँ पूरी ट्रिप की, 15 का हमें एवरेज मिला है। इसके अलावा हमने जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसके टोल में अप्रॉक्स 1200 रुपये का हमें टोल पड़ा बोथ साइड का। और भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, इन जगह पर थोड़ा सा कुछ लोकल टैक्स रहता है और कुछ पार्किंग के चार्जेस भी होते हैं कुछ जगह पर। जैसे कि आज का ब्लॉग आपने देखा होगा कि टेम्पल पे हमने पार्किंग की थी, 50 रुपीज चार्ज किए थे, तो अप्रॉक्स 200 रुपीज हमने उसमें खर्च किए। इसके अलावा जब हम फर्स्ट डे रुके थे जो वॉलनट क्रीक होटल था, क्योंकि हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था, हम बहुत थक चुके थे, तो एक नॉन होटल था, हम वहाँ पर गए और वहाँ पर हमने 1800 पे करे एक नाइट के स्टे के लिए। बट जो नेक्स्ट डे हमने स्टे किया था, जो कि बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी में हमने सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये पे किए थे। अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छी लगी है और आप चाहते हैं उस टाइप की किसी प्रॉपर्टी में स्टे करना, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे उस प्रॉपर्टी की लोकेशन डिटेल्स मांग सकते हैं, या फिर हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें DM कर सकते हैं, हम आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। छोटे मोटे खर्चे और ट्रिप्स में होते हैं बाकी, जैसे कि कुछ स्नैक्स वगैरह खाना या फिर कहीं पर जूस वगैरह पीना, तो उसके लिए हमने अप्रॉक्स 400-500 रुपीज खर्च किए होंगे। तो ये टोटल ओवरऑल हमारे एक्सपेंसेस थे। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई सजेशंस देना है हमारे वीडियोस पर जो हम और भी अच्छा कर सकते हैं इन फ्यूचर, तो कॉमेंट सेक्शन में अपने सजेशन आप लिख सकते हैं। और एट द एंड हमारे चैनल को प्लीज शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much.